चल ये बंद कर, खड़ा हो, जल्दी पकड़ इसे बराबर टाइट पकड़, चल जा ऊपर तेरे रूम में, चल जा। मैं हूँ भैरवी। वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि हो सकता है किसी ने ऐसे कंबल ओढ़ के काका मुरली को डराने की कोशिश की हो। ऐसे मुझे हार्ट अटैक देके। हालांकि तेरी बात सही है, मेरा मन भी कहता है कि भूत-भूत जैसे कुछ होता नहीं है। का बाबा? बाबा। शरद, 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 क्या शरद शरद लगा रखा? बोलो तुम। अरे आप मुझे सुन सकते हैं? अरे आप बोलेंगे तो सुनाई देगा ना। आप यहाँ आइए, पहले यहाँ आइए। मैं आपको दिख भी रहा हूँ। वो छोड़िए, सबसे पहले ये बताइए कि आप अकेले आए हो कि और कोई आया आपके साथ? हाँ, अब मैं आपको देख सकता हूं। आप घर में घुसे कैसे? हाँ, वो कौन आप? ये शरद पुटारा कौन है? मेरा भाई है, लेकिन वो अभी इस वक्त घर पे नहीं है। आप अपना काम बताइए, चलिए। तो मैं जाता हूँ, शरद घोटाला आने के बाद आता हूँ वापस। लेकिन मैं जब आऊंगा तब एसी थोड़ा कम कर दीजिए, ठंड लग रही है। शिशिर ने जो बताया। वर्षा, हेलो अंकल, हो जा। हाँ है ना अंकल, यहाँ पे बहुत तेज बारिश हो रही है और बाहर पानी भी बहुत भर गया है, तो बारिश रुकते ही हम लोग वापस आ जाएंगे। अब तू आश्रम में है ना बेटा? जी जी, हम आश्रम में ही हैं और शरद भी मेरे साथ है। हाँ ठीक है, तुम दोनों संभल के आना। हाँ अंकल, प्लीज डोंट वरी। ओके बाय। हाँ बाय बाय। मैं हूँ और डरना तो मारे को चाहिए, आपके शरद और रैना को। क्या बोल रही है लाचू तू? अरे जब तक अपना मानव नहीं आ जाता तब तक ऐना की हिफाजत के लिए मैंने शरद को उसके साथ रखा है। यही वजह है ना, यहाँ कुछ और चल रहा था रे दिमाग में। अरे और क्या चलेगा? अचो तू जा, जाके सो जा। ए माना खाटू श्याम जी, ऐना के दिल में शरद को बसा दे, मैं इसीलिए तो साथ भेजता हूं उनको बारी बारी। मारे मानव की आत्मा को भी शांति मिल जाएगी प्रभु। श्रीवास्तव, ये बिस्किट स्वीट है नमकीन? मैं पैकेट में देख के आती हूँ। ओके
ये मीठा है। ये भी मीठा है। ये वाला देखो ना, ये कड़वा तो नहीं है। ये भी मीठा निकला। चुन चुन के लाई होगी ना वो तोड़ के। बुद्धू क्यूट बुद्धू। वासांसि चिरणानि अथ विहाय नवानि गृहाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानन्यानि संयाति नवानि देह। अब आप अपनी सांस का ध्यान कीजिए और इस कलश में अपनी स्वर्गीय सास श्रीमती कमला बा का स्मरण करते हुए उनका जलाभिषेक कीजिए, उन पर पानी डालिए। आपकी सास को स्विमिंग आती है? मुझे आती है। आपकी सास को अगर नहीं आती है तो मैं सिखा दूंगा। कलश पे ऐसे उतर कर ए, कमला बा आइए आइए, थाली में क्या कर रही है? आइए कलश में दोनों टाइम मारते हैं, बाद में आपको मैं बैक स्ट्रोक सिखाता हूँ। हाँ पर तुमने स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ पहना है? गुजराती पौराणी चकुड़ी तो बराबर पटी जी, ये थोड़ा ये है। अब नहलाइए कमला बा को। जी जी हाँ। ओम दहु शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा। अरे भावना भाभी की तो आंखें भर आई। दादी माँ अच्छा खासा जी के गई है, देखो ऐसा लग रहा है कि बोल रही हूँ मैं जाऊं। काल मरी सासू आज बाए आंसू। हाँ आप अपनी माँ को याद करके रोइए ना बा। चकुड़ी मेरी माँ जिंदा है। तो बराबर। तो भावना भाभी आपकी आंखों में आंसू किस लिए? वो कल रात को हमें भी इस घर में भूत प्रेत का आभास हुआ। हाँ अरे प्रीतेशिया तू अभी तक सोया नहीं? सॉरी दादी माँ मैं रिसर्च कर रहा हूँ, बाद में सोऊंगा। ओहो अरे चकुड़ी पानी पिला, गला सूख रहा है मेरा। हाँ बा। चल लैपटॉप बंद और कंबल के अंदर तेरी आंखें बंद, तू सपनों के अंदर समझ गया बंदर? आंखें बंद। हाय हाय ये चकुड़ी कहाँ चली गई? पानी लाने को बोला तो ये कुआं खोदने गई है कि पावई का तालाब? हे भगवान ये लड़की भी ना, हाय पानी देने को बोला तो कहीं वो फिर से तुलसी का। ये लो ये तो यहाँ है, रुक ये चकुड़ी लाने भाई पानी देना जल्दी। हाय ये क्या भूत की तरह शाल ओढ़ के घूम रही है? ऐसा क्या कर रही है? अरे चकुड़ी देख तू वापस मुझे बच्चों की तरह डराने लगी,
मुझे मालूम है ये तू है, मैं नहीं डरने वाली तुझसे। देख 10 तक गिनती हूँ, मुझे वो पानी की बोतल दे वरना मैं अभी के अभी तुझे तेरे मायके भेज दूंगी। ये इतनी रात को किससे बात कर रही है? मैं तो भी पानी लेने गई। अच्छा तो डांटने की प्रैक्टिस कर रही हूँ। ये शीशी करके इधर से उधर, उधर से इधर कहाँ घूम रही है? झूला क्या झूलने बैठ गई? आधी रात को 3 बजे अपनी बागों को ऐसे परेशान करता है। देख मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अभी कि अभी तू पानी लेके इधर नहीं आई तो तुझे 1 साल के लिए मैं काल कोठरी में डाल दूंगी, मतलब 1 महीना। अच्छा ना तेरा ना मेरा 1 घंटा, अब इससे कम सजा नहीं परवड़ेगी। तो बराबर रे भाई, देने पानी। हाय हाय तू ऐसे क्यों चल रही है? तुझे मितेश प्रीतेश के स्केटिंग पहने है क्या? 1 मिनट, अगर तू सामने से आ रही है चल के, तेरी आवाज क्यों पीछे से आ रही है? पता नहीं बा। तू यहाँ है तो फिर ये कौन है? पापा है ना? नितेश प्रीतेश के पापा इतनी रात को कहाँ जगेंगे बा? पिछले हफ्ते जब कॉलोनी में आग लगी थी तो हम सब इधर उधर भाग रहे थे और नितेश प्रीतेश के पापा बोले थे बा चप्पल पहनने पड़ेंगे और वो भी दो दो, सीढ़ी बम्बा वाले को बुलाओ मुझे उठाने के लिए। तो आपका पापा नहीं है? पापा रखते ना। कौन है तू? को तो सबसे पहले एहसास हुआ था ना, इनको बाद में, इसलिए ही। ओ माय गॉड, मुझे भी भूत का आभास हुआ। अरे हमारे घर के तो पंखे भी बंद कर दिए थे उस भूत ने। हमारे घर के तो 80 कम करने की बात की। है? अरे तुम्हारे घर में 80 पंखे हैं? नहीं 80 नहीं, एसी बेटा, एसी कम करने की बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें ठंड बहुत लग रही है तो। एक मिनट, गोटाला भाई आप लोगों ने भूत से बात की? घूम जाओ। रुकिए, कोई घूमेगा नहीं। हाँ कोथड़ी में गुड़ को नहीं भांगनो। जवाब दीजिए, आप लोगों ने भूत से बात की? बात नहीं, ये वो तो और ज्यादा शक हो रहा है उन्हें। और क्या थोड़ा क्या बोला आपने? खम्मा घनी भूत पैसा, आओ आओ पधारो मारा देश, ये हाल चाल है। एक मिनट मिस्टर गोटाला, उस भूत ने आपसे क्या बात की? वही कह रहा था, कुछ खास नहीं। हाँ इसी कम करने के लिए बोल रहे थे और फिर उन्होंने बोला कि मैं बाद में आऊंगा, ऐसे बोल के कंबल छोड़ के चले गए।
दीवार में से। बोल अब बोल, विसर्जन में थक गए घोटाला? बाद में आऊंगा, मुझे तो सुन के भी डर लग रहा है। ना ना ऐना बिटिया, तो डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। ओ मेरे काका, अब मैं हूँ ना करके ऐसे करके लाजो आंटी को खुल आगे कर रहे हो। सब बेकार में इतना डर रहे हैं मिसेस भैया। दादी भूत भूत कुछ नहीं होता है, अगर डरना है तो जिंदा लोगों से डरो। कहा मितेश भैया? ना प्रीतेश। क्या लगता है आपको वसंत अंकल, आपको क्या लगता है पंडित जी? देखिए भाई, भूत प्रेत के बारे में तो मैं भी नहीं जानता, किंतु आत्मा होती है और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो हो सकता है कि कोई अतिरिक्त आत्मा आप लोगों से संपर्क करने के लिए आई हो। अगर पंडित जी कह रहे हैं तो बात बिल्कुल सही है, जरूर इस आत्मा का घोटाला परिवार से कोई ना कोई कनेक्शन है। आप लोग हर बात में हमें क्यों घसीटते हैं? हाँ देखिए, हमारा किसी प्रेतात्मा हुतात्मा से कोई लेना देना नहीं है। हुतात्मा? प्रेतात्मा ठीक है, हुतात्मा क्या होता है? हुतात्मा चौक होता है, प्रेतात्मा वेतात्मा बोलते हैं, जैसे भूत भूत, चुड़ैल वुड़ैल, डायन वायन। हाँ जैसे इडली चटनी, इडली पटनी, ऐसे। नहीं 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 हेमंत, लॉजिकली से पहला अक्षर चेंज होता है। हाँ इडली चटनी विडली चटनी, इडली चटनी विडली चटनी, वैसा। सिर्फ चटनी हो तो फिर चटनी वटनी जवाब दीजिए, वो आत्मा आप लोगों को क्यों ढूंढ रही है? नहीं नहीं नहीं, लॉजिकली वो आत्मा या भूत जो भी है वो हमें ढूंढने क्यों आएगा, हमारे यहाँ अभी तक तो कोई मरा भी नहीं है। क्या सूर्य नगर में भी नहीं? सूर्य नगर में सब 400-500 साल तक जीते हैं। वो तो हजार हजार है? हजार रिश्तेदार हैं हमारे वहाँ सूर्य नगर। हाँ मुंबई में कोई नहीं है, तो जब यहाँ मुंबई शहर में हमारे कोई रिश्तेदार है ही नहीं तो कोई मरेगा कैसे, और अगर कोई मरेगा नहीं तो फिर भटकेगा कैसे है? यजमान जी, आत्मा को स्थान और काल का बंधन नहीं होता है, उसे तो सिर्फ एक ही वस्तु खींच लाती है और वो है संबंध। तो हो सकता है कि कोई प्रेतात्मा वेतात्मा जिसकी इच्छा अधूरी रह गई हो वो उसका संकेत देने के लिए आई होगी। अरे दरअसल हम उस कंबल वाली आत्मा भूत को कभी मिले ही नहीं है, तो वो हमें क्यों कुछ बताने आएगा? इनफैक्ट मैंने कहा उनसे कि अरे हेलो अब भाई साहब, ऐसे कैसे घूम सकते हैं हमारे घर में? हाँ अब वो कौन, यहाँ आए कैसे, क्या चाहिए आपको, पूछा मैंने उनसे। मिस्टर घोटाला, आपने उस भूत से इतनी कैजुअली बात की, आपको डर नहीं लगा? है? भूत को देखकर डरना होता है, किसी ने बताया नहीं था। देखिए मानना या ना मानना ये हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत सोच होती है, किंतु एक बात आप लोग समझिए, आप लोगों को भूत का केवल आभास हुआ है, किंतु घोटाला परिवार ने तो साक्षात भूत से बातचीत की है। इसका मतलब घोटाला परिवार के पास कोई विशेष शक्ति अवश्य है।